बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपका मुरीद खुर्रम शहजाद बात कर रहा हूँ अगेन। दो सवाल हैं, क्विकली आपसे पूछूंगा। दो वजायफ आपने बताए थे, एक मेरी बीमारियों के लिए, दूसरे कोर्ट केसेस के लिए। दोनों माशाल्लाह सही तरह से चल रहे हैं, उनके फवायद भी मुझे महसूस हो रहे हैं। सवाल आपसे ये पूछना था कि उनको 45 दिन के बाद उनको जारी रखूं तो कैसे जारी रखूं, और दूसरा ये है कि इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से मेरी बिल्कुल इनकम जो है वो ख़त्म हो गई है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी कोई जॉब या बिजनेस के लिए कोई आप ऐसा वजीफा बताएं ताकि मेरी इनकम शुरू हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह खुर्रम शहजाद साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। दो वजह मैंने आपके दो मकासद के लिए बताए हैं, तो वो उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि आपका मकसद पूरा हासिल नहीं हो जाता, इमिग्रेशन का मसला हल नहीं हो जाता, इसी तरह की बीमारियाँ आपकी रफा नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो दोनों वजह जारी रखें। और बाकी इनकम के हवाले से जो मसाइल हैं उसके लिए जो आप शुरू कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको रिज़्क़ हलाल की कुशादगी अता फरमा देंगे। और वो ये है कि या करीमू या रज़ाकू, या करीमू या रज़ाकू, ये रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़ना है। किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ें या करीमू या रज़ाकू, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, तो इंशाल्लाह ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह गैब से आपके लिए अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम होगा। आमीन सुम्मा आमीन।